हाय, माय नेम इज़ हमाद अली और हमारे कोर्स एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के आज का टॉपिक है रिसाइक्लर व्यू पे। जो हम आइटम लिस्नर की बात कर रहे थे, आज हम उसको देखें। तो चले हम अपने पुराने कोड पे चलते हैं जो हमने रिसाइक्लर व्यू के लिए लिखा था, जिसमें हमने एक कस्टम अडेप्टर को इम्प्लीमेंट किया था और जो उसकी आउटपुट थी उसको भी हम एक दफ़ा देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि उसके ऊपर लिस्नर हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लास्ट टाइम जो हमने इम्प्लीमेंट किया था ये इसकी आउटपुट है, और अभी हम किसी भी आइटम पे अगर क्लिक कर रहे हैं तो हमें रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए जिस तरह हमने लिस्ट व्यू के अंदर देखा था, आइटम क्लिक लिस्नर था, लेकिन इसमें आइटम क्लिक लिस्नर नहीं है, तो वो लिस्नर हमें यहाँ पर ख़ुद से इम्प्लीमेंट करवाना है। खुद से कोड लिखेंगे आइटम के लिए कि जब भी किसी आइटम के ऊपर क्लिक हो तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। तो यहाँ पे हमारे पास ये मेन क्लास है, यहाँ पे हमारे पास अडेप्टर की क्लास में हम चले जाते हैं, ये हमारे पास अडेप्टर की क्लास है और अडेप्टर की क्लास के अंदर हम जितने भी फंक्शन हैं उनको फिलहाल लैप्स कर देते हैं ताकि हमें चीज़ें जो हैं वो काफ़ी क्लियर हो जाए। अच्छा जी, एक तरीका तो ये है कि मैं माई होल्डर की बाइंड होल्डर में जाऊं और यहाँ पे जाके मैं होल्डर का ऑब्जेक्ट कॉल करूं डॉट लगा के। आइटम व्यू बेसिकली ये वो आइटम को शो करेगा जिस आइटम को हमने सेलेक्ट किया होगा, तो ये उस आइटम को डिनोट कर रहा होगा। तो इसके ऊपर मैं सेट ऑन क्लिक लिस्नर को कॉल कर सकता हूँ, ठीक है जी। लेट्स से मैं इसके ऊपर टोस को रन करवा देता हूँ, मेक टेस्ट। कॉन्टेक्स्ट हमें चाहिए यहाँ पे, कॉन्टेक्स्ट कॉमा यहाँ पे जो भी चार सीक्वेंस। लेट्स से मैं टीवी नेम जो हमारा होल्डर के अंदर पड़ा हुआ है, होल्डर डॉट टीवी नेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट उस पर ये चार सीक्वेंसेस को रिक्वायर्ड है और ये चार सीक्वेंस ही रिटर्न करता है। तो यहाँ पे चूंकि इनर क्लास में यूज़ हो रहा है ऑब्जेक्ट, तो इसको ये रिक्वायर करेगा कि हम इसको फाइनल कर दें। तो लेट्स से मैं इसको अगर फाइनल कर देता हूँ तो ये नीचे भी एक्सेसिबल होगा। ठीक है जी, ये हमने अमार पे क्लिक किया तो ये नीचे उसका नाम लिखा हुआ आ गया, नेक्स्ट आइटम पे क्लिक किया तो उसका नाम लिखा हुआ आ गया। लिहाजा मैं किसी भी आइटम पे क्लिक करता हूँ तो उसका मुझे यहाँ पे नाम नज़र आ जाता है। तो ये तो था सिंपल सा आइटम पे क्लिक लिस्नर को इम्प्लीमेंट करने का तरीका। लेकिन इसमें इशू ये है कि जब कभी भी आपने लिस्नर के अंदर जब भी किसी ने इस आइटम को यूज़ रिसाइक्लर व्यू को यूज़ करना है और इस अडेप्टर को यूज़ करना है, तो उसको अडेप्टर में जाके इस लिस्नर को इम्प्लीमेंट करना होगा। ये कोई ठीक अप्रोच नहीं है, क्योंकि जब हम अडेप्टर किसी को देंगे तो हम उसको एज एन अडेप्टर देंगे और उसका जो लिस्नर है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसका जो यूज़र है अडेप्टर का उसको अलाउ करेंगे कि वो अपनी मर्ज़ी की यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन कर सके। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस लिस्नर की इम्प्लीमेंटेशन को बाहर लेके आना पड़ेगा जहाँ पे हम एक्टिविटी जो हमारी मेन एक्टिविटी में जहाँ पे हम रिसाइकल व्यू को कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं और अडेप्टर सेट कर रहे हैं, वहाँ पे हम अगर इसके लिस्नर को लेके आए तो जो है ना वो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कोड के अंदर और जो इसका यूज़र है वो डिफ़ाइन हो सकेगा कि रिसाइकल व्यू का यूज़र कोई और है और जिसने अडेप्टर डिफ़ाइन किया वो कोई और है, ठीक है जी। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम इसको यहीं पे रहने देते हैं और इसमें से इस कोड को रिमूव कर दें, बल्कि ये सारे कोड को फिलहाल रिमूव कर देते हैं और सबसे पहले हम एक बनाते हैं अपनी लिस्नर की क्लास या इंटरफेस
पब्लिक इंटरफेस, और इसके अंदर हम लेट से हम कह देते हैं रिसाइकलर आइटम क्लिक लिस्ट। ठीक है जी, ये मैंने अपनी मर्जी से एक नाम रख लिया है और इसके अंदर अपनी मर्जी से मैंने ये इंटरफेस बना लिया। इस इंटरफेस के अंदर मैं एक फंक्शन, वो भी मैं अपनी मर्जी का लिख लेता हूँ, ऑन आइटम। ठीक है जी, और यहाँ पे मैंने इसको वॉइड कर दिया, और यहाँ पे हम एक व्यू पास कर देते हैं। ठीक है जी, जिस व्यू के ऊपर एक्चुअली ये क्लिक होगा। ठीक है जी, तो ये हमने क्या किया कि एक फंक्शन बना लिया और एक इंटरफेस इंटरफेस बना लिया, इंटरफेस में एक हमने एम्प्टी फंक्शन बना लिया। अब इस को हम डिफाइन कर देते हैं अपनी क्लास के अंदर। जैसे अगर ये मेरे पास प्राइवेट है और मैं इसको एक लिसनर के तौर पे डिफाइन कर देते हैं, जैसे ये मेरे पास प्राइवेट है, ये भी मेरे पास प्राइवेट है, इसको हम पब्लिक कर देते हैं, ये पब्लिक कर देते हैं, इसको भी प्राइवेट कर देते हैं। लेकिन अगर हम इसको प्राइवेट करेंगे तो फिर हमें नीचे इस क्लास को पब्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ी सी चेंजेस और करते हैं। हमें चूंकि इसको लिसनर प्रोवाइड करना है, तो एक तरीका तो ये है कि हम जो रिसाइकलर व्यू की जो क्लास है उसको एक्सटेंड करके उसके अंदर लिसनर के लिए भी सेट लिसनर का बना दें फंक्शन, और दूसरा ये है कि हम इसके अडेप्टर के अंदर भी लिसनर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो लेट से मैं इसी के अंदर अडेप्टर के अंदर ही लिसनर भी इसको प्रोवाइड कर देता हूँ, रिसाइकलर व्यू आइटम क्लिक लिसनर, और लेट से मैंने इसका नाम लिसनर रख दिया, और जब मैंने इसको ओपन किया तो मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर ही जो मेरे पास दिस डॉट लिस्टनर था उसको मैंने लिस्टनर से इनिशियलाइज करवा दिया। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैंने जो लिस्टनर इंटरफेस है उसका जो रेफरेंस है उसको इक्वल करवा दिया, और यहाँ पे मैं जहाँ पे मैं पहले इंटरफेस इंप्लीमेंट सॉरी लिस्टनर इंप्लीमेंट कर रहा था वहीं पे मैं इसको इंप्लीमेंट करवा देता हूँ। होल्डर डॉट आइटम व्यू सेट ऑन क्लिक लिस्नर। यहाँ तक देखें कोड सेम है जिस तरह के नॉर्मल क्लिक लिस्नर का होता है, लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूँगा लिस्नर डॉट ऑन आइटम व्यू, और इसके अंदर क्या पास करना है आइटम व्यू पास करना है। तो सिंपली मैंने जिस तरह पहले आइटम क्लिक लिस्टनर पास किया था इसी तरह ही यहाँ पे भी सेट आइटम ऑन क्लिक लिस्टनर किया है, लेकिन यहाँ पे मैंने उस कोड की इम्प्लीमेंटेशन नहीं दी बल्कि उसकी जगह पे मैंने क्या किया है जो मैंने अपना बनाया हुआ लिस्टनर था उसके फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दिया है। लेकिन सोचने की बात यह है कि अभी तक हमने इंटरफेस के फंक्शन को कॉल तो कर लिया है लेकिन इंटरफेस के फंक्शन को इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो अब ये जो इम्प्लीमेंटेशन है इस इंटरफेस के कोड की वो हम करेंगे इस क्लास से बाहर अडेप्टर से बाहर जब मेन एक्टिविटी में जहाँ पे हमने रिसाइकलर व्यू को इनिशियलाइज करवाया है वहाँ पे हम इस इंटरफेस का एक किसी क्लास पे इंप्लीमेंट करके उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और उस ऑब्जेक्ट को फिर हम यहाँ पे जहाँ पे हमने सॉरी जो हमारा कंस्ट्रक्टर है उस कंस्ट्रक्टर में हम उसको इंप्लीमेंट करवा देंगे। ये हमारा कंस्ट्रक्टर है सॉरी कंस्ट्रक्टर हमने इसका बंद कर दिया है, ये कंस्ट्रक्टर है और यहाँ पे हमने रिसाइकलर हमने इंप्लीमेंट करवा दिया।
अभी जब हम जाके एक्टिविटी के कोड को देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा एरर आ रहा होगा, हम इस एरर को रिजॉल्व कर लेते हैं। इसको रिजॉल्व करने का तरीका का क्या होगा कि हमें लिसनर का ऑब्जेक्ट बनाना है। रिसाइकलर आइटम क्लिक लिसनर हमने बनाया है, हमने इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं न्यू। अब चूंकि ये इंटरफेस है तो इंटरफेस के अंदर एक फंक्शन है जिसको इंप्लीमेंट करना लाजमी है, तो अब हम इसको इंप्लीमेंट कर लेते हैं। और यही वो फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन है जो हमें वहाँ पे रिक्वायर्ड है। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम लेट से आइटम व्यू, ये हमारे पास व्यू है, उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। और इसके अलावा हम यहाँ पे सॉरी पोजीशन हमने इसको सेट नहीं करवाई ताकि हमें डाटे की पोजीशन का भी आइडिया हो सके। तो यहाँ पे हम पोजीशन को रिसीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेट से मेरे पास जो डेटा था डेटा डॉट गेट, अगर मैं इसको पोजीशन दे दूँगा तो ये मुझे उस पोजीशन पर पड़ा हुआ डेटा को रिटर्न कर देगा। लेट से यहाँ पे जो हमारे पास डेटा था वो कॉन्टैक्ट था, तो कॉन्टैक्ट ठीक है जी, यहाँ पे ये रिक्वायर कर रहा है कि ये इसको ठीक है। तो और यहाँ पे हम इसको कॉन्टैक्ट को टोस्ट करवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं, वट एवर, हम नेक्स्ट एक्टिविटी पे जा सकते हैं, जो भी हम करना चाहें वहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम चार सीक्वेंस दे देंगे, लेट से कॉन्टैक्ट डॉट गेट नेम और उसके बाद टोस्ट नॉट शॉर्ट शो। और यहाँ पे हम इसके बाद इसको लिस्टर का ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। अब ये जो लिस्टर का ऑब्जेक्ट है इसकी इम्प्लीमेंटेशन अडेप्टर के अंदर नहीं बल्कि अडेप्टर से बाहर है। अब जब हम इसको चला के देखते हैं तो हमें सेम आउटपुट मिलती है। ठीक है, अब जिस पे भी क्लिक कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल रही है। ठीक है जी, इंटरफेस लिसनर की इम्प्लीमेंटेशन को आज हमने देखा, और आज के लिए इतना ही। और नेक्स्ट हम देखेंगे उसको कार्ड व्यू को रिसाइकलर व्यू पे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और उसको डिफरेंट ओरिएंटेशन में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।